इस बीच एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री धीरेंद्र शास्त्री ने छिंदवाड़ा में कांग्रेस सांसद नकुल नाथ की यजमानी में हो रही कथा में सम्मिलित होने की सूचना दी। आपको बता दें ये कथा 5, 6, 7 अगस्त को होने वाली है। जय सियाराम। छिंदवाड़ा के सभी धर्म प्रेमियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगस्त महीने के 5, 6 और 7 तारीख को परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार का भव्य कथा सिमरिया मंदिर में होने जा रहा है। मैं आप सब छिंदवाड़ा वासियों को इस भव्य कथा में आमंत्रित करता हूँ। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। अतीव प्रसन्नता के साथ आप सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद और छिंदवाड़ा के समस्त बागेश्वर धाम के पागलों को बड़ी प्रसन्नता का संदेश है कि हम 5, 6 एवं 7 तारीख में तक श्री जामसावली सरकार की कृपा से सिमरिया के श्री हनुमान जी महाराज के चरणों की दया से उनको कथा सुनाने के लिए समस्त छिंदवाड़ा के पागलों के लिए हम आ रहे हैं। आप सब भव्य दिव्य तैयारी करो, करो भव्य दिव्य तैयारी। आ रहे हैं मुगदरधारी बागेश्वर धाम के बड़े ही प्रिय लाडले श्री कमलनाथ जी के सुपुत्र नकुल जी, उस कथा के प्रमुख यजमान हैं, जो सिमरिया वाले श्री हनुमान जी के कृपा पात्र हैं, जामसावली वाले हनुमान जी के कृपा पात्र हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को हम कथा सुनाने के लिए सिमरिया आ रहे हैं। सब लोग तैयार हो जाओ, भव्य दिव्य तैयारी कर लो। जय सांवले, जय सिमरिया वाले हनुमान जी की, जय हो जामसावली वाले हनुमान जी।